हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। ये आपको हो सकता है कुछ लोगों को पता चल भी चुका होगा जो है, कुछ लोगों को नहीं भी मालूम होगा जो है। तो मैं आज आपको जो बता देता हूँ जो कि आज की न्यूज़ क्या है जो है। देखिए, अगर आप अपने स्क्रीन पे जो है, मैं यहाँ पे स्क्रीन प्रेजेंट किया हूँ, आप अगर स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो यहाँ पर देखिए, यूपी शिक्षक भर्ती आ गई है। यूपी शिक्षक भर्ती 2020 यूपी में जल्द शुरू होंगी। 20,000 टीजीटी पीजीटी अध्यापकों की भर्तियां, ठीक है। तो देखिए, ये कल के न्यूज़पेपर में आया हुआ था, आप लोगों ने कुछ लोगों ने देख भी लिया होगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि 4 साल के बाद जो है बहुत धमाकेदार वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी तो और भी ज़्यादा आनी चाहिए थी, लगभग लगभग 40,000 वैकेंसीज थी, आनी चाहिए थी। बट ठीक है, अभी जो है जो लोग एक साथ जो सारी भर्तियाँ नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, 20,000 वैकेंसी भी काफ़ी होती है। आपको तो अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है, ठीक है। तो देखिए, आपके लिए न्यूज़ ये है जो है कि अगर मैं इसको आपको पढ़ के बता दूं तो टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की जल्दी भर्तियां शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1 माह में शुरू करेगा प्रक्रिया, ठीक है। तो प्रदेश भर के लगभग 4,500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता की भर्ती जल्द ही शुरू होने जा रही है। 4 साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती 4 साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती के ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर बन चुका है और उसका सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है। इसके बाद अगस्त अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। पदों की संख्या के विषय में अब तक चयन बोर्ड ने कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि 18 से 20 हज़ार पदों पर भर्तियाँ शुरू हो सकती है, ठीक है। तो ये देखिए आपका न्यूज है, और इसमें जो है ये दिया गया कि हर वर्ग के लिए जो है आवेदन शुल्क में वृद्धि होगी। जो है 600 की बजाय जो पहले 600 आवेदन शुल्क था सामान्य ओबीसी के लिए, वो 700 रुपये फीस हो सकती है जो है। और जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 350 की बजाय 400 रुपये, और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों के लिए 150 की जगह 200 रुपये फीस देनी होगी। दिव्यांग को निःशुल्क आवेदन की छूट दी गई है, ठीक है। वहीं EWS वर्ग के लिए आवेदन शुल्क का प्रस्ताव शासन में लंबित है, ठीक है। और इसमें यह भी है कि पहली बार 10% EWS आरक्षण टीजीटी पीजीटी में भर्ती में मिलेगा। तो ये सारा जो न्यूज़ अभी प्रस्तावित है, सारी चीज़ें जो है अभी देखिए, अभी तो लोगों ने न्यूज़पेपर में निकाला हुआ है, आगे क्या होता है, लेकिन हम लोग आशान्वित हैं जो है कि ये भर्तियां होंगी जो है। तो आप मान के चलिए कि नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में सितंबर में ये लोग विज्ञापन जारी कर सकते हैं। 20,000 भर्तियाँ होंगी जो है टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए। जो प्रीवियस ईयर में जो है, जो प्रीवियस पहले सालों में जो है इन लोगों ने जो योग्यता रखी थी, अभी वही रखेंगे ये लोग। मतलब अभी आपको जो सीटेट या टेट की अनिवार्यता नहीं होगी टीजीटी के लिए। तो टीजीटी की अगर मैं बात कर लूँ तो ये तो मैंने आपको न्यूज़ दिखा दिया। कुछ और बातें मैं इससे संबंधित आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएँ और आप अपना कमर कस लें। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं टीजीटी का, ठीक है, तो टीजीटी के केस में जो है ना, टीजीटी के केस में आपको जो सीटेट और टेट की ज़रूरत नहीं होगी। आप बीए विथ मैथ्स या बीएससी विथ मैथ्स हैं अगर आप जो है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अपर एज लिमिट की कोई बाध्यता नहीं होती यूपी में, यह भी आपको मालूम है जो है। तो अगर आप मैथमेटिक्स से कैंडिडेट हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो है बीएससी और प्लस बीएड होना चाहिए, कोई सीटेट टेट की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पीजीटी के लिए बनना चाहते हैं जो है, तो उसके लिए आपका जो है, उसके लिए भी बीएड की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सिर्फ जो है, अगर आप एमएससी हैं तो आपका काम हो जाएगा। अगर बीएड हैं तो बहुत अच्छी बात है, बीएड नहीं भी हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अपर एज लिमिट इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो है, और आप जो है सीरियसली तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक आपने व्यवस्थित रूप से तैयारी शुरू नहीं की है, तैयारी शुरू कर दीजिए आप जो है, डेली के डेली जो प्रैक्टिस करते जाइए आप जो है। और नेक्स्ट डेज में, कुछ दिनों में जो है, मैं आपको जो इसकी प्लानिंग जो है कैसे करें, कौन से टेक्स्ट बुक को पढ़ें, हमारा चैनल आपके लिए किस तरीके से हेल्प करेगा, हम लोग कौन से कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक अलग वीडियो में सेपरेट जो है फिर से आपको लिए बनाऊँगा जो है। अभी आज के लिए फिलहाल इतनी जानकारी है कि जल्द ही भर्तियाँ आने वाली हैं टीजीटी पीजीटी की, और काफ़ी ह्यूज मात्रा में जो आने वाला है पोस्ट जो है, 20,000 वैकेंसीज काफ़ी होती हैं। तो आप उसके लिए जो है एकदम कमर कस लीजिए, अपनी तैयारी में जुट जाइए आप जो है, सही प्लानिंग करिए, सही स्ट्रेटजी करिए जो है, खूब जो है टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करिए, और सारी और भी जो भी स्ट्रेटजीज हैं, जो भी बुक्स हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।